बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक क्या हैं जी जनाब? खैरियत से हैं? आज हमारे पास मोबाइल है, एक क्यू मोबाइल है, i6 मेटल, ठीक है, मेटल है मेरे ख्याल से, i6 है। तो इसका FRP को रिमूव करना है। ये देखें, इससे आगे नहीं चलता, FRP इसका लगा हुआ है, FRP को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों FRP हम रिमूव करेंगे विद मिरेकल बॉक्स से, तो मिरेकल बॉक्स से इसका FRP रिमूव होगा। वैसे भी आप FRP इसका अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि इसका वर्जन 6.0 है। तो हम जो है FRP के ज़रिए, सॉरी मिरेकल के ज़रिए इसका FRP रिमूव करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी बैटरी निकाल लेनी है। इसकी बैटरी मैं निकाल लेता हूँ, इसकी निकाल लेनी है। तो मैं इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। बैटरी निकाल के आपने क्या करना है, ये देखिए मैं मॉडल भी चेक करवा देता हूँ आपको। मॉडल है i6 मेटल 1 है, ठीक है। तो इसकी बैटरी निकालने के बाद आपने एक बार बैटरी लगा देनी है। सिम वगैरह निकालनी है तो निकाल लें, नहीं निकालनी तो कोई बात नहीं। ये लगाने के बाद आपने, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक डाटा केबल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक डाटा केबल आपके पास होनी चाहिए। तो जब मैं आपको कहूँगा फिर आपने डाटा केबल को प्लग करना है। फ़िलहाल आप ये काम करके रख लें, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ जाकर ये तमाम काम सीखते हैं कि इसका FRP कैसे अनलॉक करेंगे। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर मिरेकल बॉक्स, एक क्रैक टूल होता है, ठीक है, XTF मिरेकल टेंडर, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बताता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने ये देखें, ये नीचे ड्राइवर पड़े हुए हैं, मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। इंस्टॉल करने का तरीकाकार आप देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेंड कर दूँगा, वो दोनों का आप तरीकाकार दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये XTM मिरेकल टेंडर 2.82 को ओपन करना है। कुछ देर वेट कीजिएगा, यहाँ पर हमारा मिरेकल बॉक्स जो है वो ओपन हो रहा है। तो इसको आपने ओपन करके दोस्तों सिर्फ़ से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड का काम होता है, ये 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका FRP रिमूव हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करके आपने क्या करना है, तरीकाकार देख लें, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने का भी तरीकाकार मेरी वीडियो पड़ी हुई है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर आपका जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और आपके ड्राइवर डाउनलोड हो जाएंगे। पहले ड्राइवर डाउनलोड करने हैं, फिर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये MTK पर सेलेक्ट होगा, उसके बाद नीचे सर्विसेज पर सेलेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है, अनलॉक फिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्लियर सेटिंग FRP इस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से डाउन वाले एरो पर क्लिक करके आपने IC सेलेक्ट करनी है। IC हमारी है 8 बूट, तो 8 बूट के अंदर हमारी IC होगी, इसकी जो भी IC होगी वो लग जाएगी इसको। MTK यानी MediaTek का इसका प्रोसेसर है, तो 8 नंबर वाली IC को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नो के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के अंदर डाटा केबल को प्लग कर देना है। तो मैं अपने मोबाइल के अंदर डाटा केबल को प्लग कर रहा हूँ, मैंने ये डाटा केबल को प्लग कर दिया अपने मोबाइल के अंदर। तो अभी आपके सामने ये देखें, कनेक्टिंग टू फ़ोन। तो अभी आपके सामने ये हमारा मोबाइल जो है FRP इसका अनलॉक हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख चुके हैं कि हमारा मोबाइल, ये देखें, रीसेट सेटिंग की सेटिंग सारी रीसेट हो चुकी है, डन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि नीड आ वेट अ फ्यू मिनट्स दी फोन इसे स्विच्ड, ठीक है, कुछ देर यानी पे वेट करें, बस आपको इंतज़ार करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो है वो USB को उतार सकते हैं। तो मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ जाकर आपको ये दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर कि हमारा ये FRP लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम कंप्यूटर के स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको USB को अनप्लग करता हूँ, यहाँ से इसको USB को उतार लेते हैं। तो उतारने के बाद मैं मोबाइल को आपके सामने ऑन करूँगा। तो पावर का बटन प्रेस करके रखते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें हमारा मोबाइल इस वक्त ऑन हो रहा है। तो कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना होगा, हमारा मोबाइल इस वक्त लोगों पर खड़ा रहेगा तकरीबन 1 से 2 मिनट। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी दोस्तों, हमारा मोबाइल इस वक्त ऑन हो चुका है। तो आपने ये एरो पर क्लिक कर देना है, फिर आपने यहाँ पर आपको सिम का पूछेगा तो आपने स्किप करना है, स्किप कर दें, फिर आप इसको अगेन स्किप कर दें, स्किप करने के बाद फिर स्किप अवे कर दें,
प्ले करने के बाद फिर इसको नेक्स्ट कर दें, फिर आप अगेन नेक्स्ट करें, फिर आप अगेन नेक्स्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर वो पैटर्न का आपको पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर पैटर्न लाजमी लगाना है, तो पैटर्न लगाने के लिए मैं या आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं जो आपने सेट करना है अपने मोबाइल के लिए। तो मैं फ़िलहाल ये पैटर्न लगा रहा हूँ ताकि हमारा मोबाइल ऑन हो सके। तो आपने फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, तो नेक्स्ट करते जाना है। तो ये देखें आपका मोबाइल इस वक्त ऑन हो चुका है। गो इट के बटन पर क्लिक कर दें, आपका मोबाइल का FRP रिमूव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक आप जो है इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।